शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को शहर में भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन, साथ ही कोरोना योद्धाओं का सत्कार भी किया गया। इस दौरान राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत भी उपस्थित थे, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। रविवार को शहर में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर भव्य रोग निदान शिविर और कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया। इस वक्त राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं की वजह से ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर काबू पाने में यश मिल सका है। उन्होंने इस कोरोना काल में देवदूत की तरह कार्य कर कोरोना की स्थिति में नियंत्रण लाने में यश प्राप्त किया है। इस वक्त बात करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए गए इस समारोह की प्रशंसा भी की। परिसुद्धा देवाकडे आपण हार दावा करत होतो, कोविडच्या महामारीतून आम्हाला बाहेर काढ, आणि म्हणूनच कदाचित परमेश्वराने आपल्याला दिशा दिली, आणि ते परमेश्वराचे देवदूत म्हणून आरोग्याची यंत्रणा असेल व आरोग्य क्षेत्रातले डॉक्टर्स असतील, आमच्या परिचारिका असतील, आमचे ब्रदर्स असतील, पोलीस डिपार्टमेंटचे सगळे आमचे सहकारी असतील, महसूल विभागाचे सहकारी असतील, आशा वर्कर्स असतील, हे मला असं वाटतं की देवदूत म्हणून कामाला लागले आणि पहिली लाट थांबवण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो। त्याच्यानंतर कोविडची दुसरी लाट देखील आली, ती अजून चालू आहे। तर मला तुम्हाला सगळ्यांना आणि विशेषतः आरोग्य अधिकाऱ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे। एक काळ असं वाटत होतं की आता नागपूरमधला कोविड थांबणार आहे की नाही, पण ते थांबवण्याचं कसब देखील माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी केलं, त्याबद्दल मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं धन्यवाद देतो। आणि आदित्य साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हा उत्कृष्ट उपक्रम युवासेनेनं राबवला आहे, त्याचं देखील मनापासून कौतुक करतो। इस वक्त शिवसेना कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नेता उदय सामंत ने कहा कि जिस भी शिवसेना उम्मीदवार के पीछे कई मतदाता होंगे और जिनमें काबिलियत होंगी, ऐसे उम्मीदवारों को शिवसेना नेताओं का संपूर्ण सहकार्य मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। विश्वास देतो, पुन्हा एकदा आदित्य साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं। नागपुर जिले में आगामी कुछ दिनों के भीतर मनपा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हर पार्टी अपने स्तर पर अपने प्रयास करी है। इसी बीच शिवसेना की ओर से भी चुनाव अपने दम पर जीतने की पूरी तैयारी जारी है। हालांकि अब वक्त ही बताएगा कि इस चुनावी रेस में जीत किसकी होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।